नमस्कार दोस्तों, यह नीलकंठ महादेव मांडव में स्थित है और यह आप देख पा रहे होंगे पहाड़ी से नीचे की तरफ है और यहाँ पर एक कुंड से इस कैनाल के थ्रू जो पानी है वह नीचे जाता है। और अब हम नीचे चलने के लिए आगे बढ़ते हैं तो कुछ इस प्रकार का दरवाज़ा दिखता है और इस दरवाजे से जब हम आगे बढ़ते हैं तो वो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा दिखता है क्योंकि यह पहाड़ों के बीच में नीचे की तरफ बसा हुआ है। मैं आगे चलकर आपको पूरा व्यू दिखाता हूँ। यह वह पहाड़ी एरिया है और यहीं पर है नीलकंठ महादेव मंदिर है। इसके बाद हम आगे चलते हैं और आगे यह कुंड दिखता है और इस कुंड से जो पानी जाता है वह उसके लिए पानी जो है बरसात में पानी यहाँ पे इकट्ठा होता है और इस आकृति के थ्रू जो है आपको पानी जो है बाहर निकलता है। और इसमें एक एक्सपेरिमेंट करते हैं तो यह जो पत्ता है इसको पत्ते को इसमें डाला है और यह पत्ता कुछ पानी के बहाव के साथ घूमता हुआ जो है आगे जाता है और आगे जाके एक दूसरे होल में चला जाता है। इसके बाद आगे जाकर हम इंतज़ार करते हैं कि यहाँ से यह पत्ता निकलेगा, लेकिन काफ़ी देर यहाँ पर बैठने के बाद भी देखते हैं कि वह पत्ता यहाँ पर नहीं आता है। फिर सभी सोचते हैं कि आखिर पत्ता गया कहाँ। फिर मैं आगे थोड़ा ध्यान देता हूँ तो पीछे देखता हूँ तो यहाँ पर पानी आने के कुछ और भी रास्ते हैं, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वह पत्ता जो है दूसरे होल से बाहर जाता होगा। इसके बाद हम मंदिर के अंदर जाने के लिए आगे चढ़ते हैं और यह काफ़ी सुंदर मंदिर जो है पत्थरों से बनाया हुआ है और यहाँ पर पूरा मंदिर जो है पत्थरों का ही बना हुआ है। इसके बाद हम मंदिर के एंट्रेंस में जाते हैं और एंट्रेंस में जाने के बाद हम आगे चलते हैं और आगे चलने के बाद आप देखेंगे कि ऐसा दृश्य आता है कि जो एक शिवलिंग है वह गड्ढे में है, आप दर्शन करें और ऊपर से जो पानी आता है वह कैनाल के थ्रू यहाँ से जो है शिव जी के ऊपर जो है प्रक्षाल करता है। और आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ, पानी जो है यहाँ पर सीधा आता है और यहीं से आगे जो आपको अभी कुंड दिखाया था उसमें चला जाता है। पास ही में एक छोटा सा मंदिर और बना हुआ है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको नीलकंठ महादेव का जो है दर्शन करके कैसा लगा। और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। और इसके बाद मैं मंदिर में जिस गेट से प्रवेश किया था उसी गेट से बाहर आ जाता हूँ और बाहर आने के बाद सीढ़ियों से वापस ऊपर की तरफ आने लगता हूँ। और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा और यह स्थान जो है मांडव।